एक लड़की थी जो जब है से थी हो गई तो समीर को बहुत तकलीफ़ हुई, और कई इंटरव्यूज़ में आपने ज़िक्र किया है कि आज भी आंखें बंद करता हूं तो शक्ल याद आती है, और फिर शायद वही शक्ल रही जब आपने गाना लिखा और उस गाने को आपका जो पहला फिल्म फेयर अवार्ड था, फिल्म का नाम आशिकी और गाने का नाम नज़र के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो तो। देखो बेटा, तुमने सवाल बहुत गलत वक्त पे कर दिया, पत्नी पास में बैठी है। देखो अब तुम खुद समझ गए, और चाची जी इनको क्षमा कर दीजिए। वो क्षमा कर चुकी है, ये नज़र खोलते हैं तो आप ही दिखती हैं। अगर वो नहीं, उसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कितना विश्वास है उनको मेरे ऊपर। मैंने एक गाना लिखा था, एक फिल्म बहुत मशहूर हुई थी, उसका एक बहुत खूबसूरत गाना था कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो जब मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये गाना मैंने तुमको इंस्पायर होकर मैंने लिखा है, तो इनका जवाब क्या था मालूम है? इन्होंने कहा, आज मुझे पहली बार पता चला कि आप झूठ कितनी सफाई से बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो बेटा, ज़िंदगी में मैंने जैसा कहा, पहले भी इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि वो हर इंसान के दिल में होता है। अगर वो नहीं है तो वो दिल दिल नहीं है, वो पत्थर है। और मेरे ख्याल से जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने देखा है कि अगर आपको बहुत दूर तक कहीं ऊपर वाला ले जाना चाहता है तो दुनिया के सारे रंजो गम से आपको वाकिफ़ करवाता है। हमने गरीबी देखी, हमने दिल लगाया, दिल टूटते हुए देखा, पाते हुए देखा, खोते हुए देखा, और ये सब इसलिए देखा क्योंकि वो साहिर साहब की वो लाइन बहुत खूबसूरत है। मुझे याद आती है कि मैंने जो गीत तेरे प्यार की खातिर लिखे, आज उन गीतों को बाज़ार में ले आया हूँ। तो कहीं ना कहीं जो आप जीवन जीते हो वही आप लोगों को देते हो। और अगर मैं एक चीज़ में बड़ा यकीन रखता हूँ कि दो तरह के राइटर होते हैं, एक होता है जो जी के लिखता है, एक है जो सोच के लिखता है। जो जी के लिखने वाला जब वो लिखता है ना, तब वो जो बात कहता है उसका असर सामने वाले पे जाके वहीं पड़ता है जहां वो उसको छूना चाहता। जैसे मैंने जब वो गाना लिखा कि जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, मैंने थिएटर में लोगों को चिघाड़ मार के रोते हुए देखा। क्योंकि हम लोग जब इसको लिख रहे थे, बना रहे थे, तो हम रोए। हमारा एक गाना था, नुसरत फ़तेह अली खान ने गाया था, और उस लाइन पे जहाँ नुसरत साहब रोए थे और 1.5 घंटे तक वो लाइन वो गाते रहे, और जब वो लाइन आया और रोने लगे वो, हमने जब थिएटर में जाके देखा, जैसे ही वो लाइन आती है पूरी ऑडियंस रोती है। और लाइन कौन सी थी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मशहूर गाना है, एक ही गाना मेरा उन्होंने गाया था और उनका बहुत पसंदीदा गाना था। मेरे ख्याल से फिल्म इंडस्ट्री का भी वो आखिरी गाना गा के वो गुजर गए थे। वो एक गाना था, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का भी दिल दीवाना लगता है। उसमें एक लाइन थी, मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल। वो बाबुल बोले रोने लगे, क्योंकि उनको अपनी बच्चियों की याद आए, लड़कियों की याद आती थी। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि जो काम जहाँ से किया जाता है वहीं असर करता है। अगर आप दिल से करोगे तो दिल पे असर करेगा, दिमाग से करोगे दिमाग के असर से, रूह से करोगे तो रूह पे असर करेगा। तो मैंने तो ज़िंदगी में हमेशा वही लिखा जो जिया, हमने कभी वो लिखा ही नहीं जो मैंने जिया नहीं।